हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रूसी क्रांति। पिछली वीडियो में हमने समाजवाद विचारधारा पर चर्चा की थी और ये बताया था कि 1914 ईस्वी तक यूरोप में फैल रहे इस विचार का बड़ा तेज़ी से विकास हो रहा था, लेकिन और कई बार इन्होंने जीत भी हासिल की है, कानून बनाने में भी इनका हाथ था, लेकिन फिर भी उदारवादी रेडिकल्स और रूढ़िवादी विचारधाराओं का ही दबदबा बना रहा। लेकिन आज हम जब रूसी क्रांति, रूस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि रूस में आते आते ये विचारधारा बिल्कुल ही उलट गई। मतलब यहाँ रेडिकल सुधारवादी और रूढ़िवादी विचारों का स्थान समाजवादी विचारों ने लिया, यानी यहाँ समाजवादी विचारधारा अधिक प्रचलित हुआ। हम जान रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और अब तक उन यूरोप में सभी देश लगभग औद्योगिक क्रांति के चलते या उद्योगों में बहुत आगे बढ़ चुके थे। कृषि और खेतीबाड़ी की स्थिति अब सभी देशों में कम हो गई थी, लेकिन रूस अभी भी औद्योगिक क्षेत्र में ही पिछड़ा हुआ था और यहाँ अभी भी ज़्यादातर कृषि और खेतीबाड़ी ही का कारोबार होता था। तो जब हम रूस की चर्चा करते हैं तो वहाँ की 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई है, तो 1917 की जो रूसी क्रांति थी वो अक्टूबर क्रांति के जरिए ही रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्ज़ा कर लिया था। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो हम देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में ये विचारधारा बड़ी तेज़ी से फैली, लेकिन इस ये रूस पर इसका कब्ज़ा हुआ। फरवरी 1917 में वहाँ राजा या राजशाही, वहाँ भी राजतंत्र था, और जिस तरह फ्रांस में हमने देखा कि राजतंत्र के खिलाफ क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उसी तरह से रूस में भी रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में राजा के ही खिलाफ हुआ था। यहाँ भी राजा निरंकुश था, तो यहाँ राजा को जार कहा जाता था और उस वक्त जार निकोलस द्वितीय यानी जार निकोलस टू का शासन था। तो फरवरी 1917 में राजशाही के पतन, मतलब जब ये क्रांति हुई तो राजतंत्र हटा दिया गया, तो उसका जब पतन हुआ राजशाही का और अक्टूबर की घटनाओं को, तो जो घटनाएं अक्टूबर में घटी उन्हीं को हम अक्टूबर क्रांति कहते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले कि ये कैसे हुआ, इसके पीछे हालात जानने पड़ेंगे और हमें ये समझना होगा कि रूसी समाज कैसा था या वहाँ क्या हलचलें हो रही थी या रूसी साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो पहले हम इस पर विचार करते हैं। तो 1914 ईस्वी में, चूँकि 17 में ये क्रांति हुई तो थोड़ा पीछे चलते, 1914 में रूस और उसका पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस टू का शासन था, अभी हमने बताया, और मॉस्को के आसपास जो राजधानी थी उसके आसपास पड़ने वाले जितने भी भू क्षेत्र थे, उसके अलावा जो साम्राज्य के अंतर्गत जो और क्षेत्र आते थे उनका नाम इस प्रकार से, जो भी मैं पढ़ूंगी, लेकिन इसे आपको एटलस पे मैप में देखना होगा क्योंकि आज की तारीख में ये सारे देश आज़ाद हैं, लेकिन उन दिनों ये रूसी साम्राज्य के ही अंग थे। उसमें है आज का फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, ये सारे अभी आज़ाद देश हैं जो उन दिनों रूसी साम्राज्य के अंतर्गत थे, यूक्रेन और बेलारूस। इसके अलावा इसके कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य में थे, इसके अलावा रूसी साम्राज्य जो यूरोप से फैला हुआ था लेकर के प्रशांत महासागर तक, एशिया तक, और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, ये सब आपको एटलस में या मैप में दिख जाएगा, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जो अभी मध्य एशियाई देश हैं, ये सब भी रूसी साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे उस समय। अब अगर हम रूस के धर्म को देखें, पहले रूसी क्रांति के कारण को हम जानेंगे, उसके लिए हमको उसका समाज, उसका धर्म, सभी स्थितियों को जानना होगा। जैसे हमने रशिया, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति में समाज कैसा था, क्या धर्म था, वो सब जानते थे, उसी तरह यहाँ भी अगर हम चलते हैं तो रूस में धर्म क्या था। रूस क्या था कि वहाँ ग्रीक देश था जहाँ ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही है, प्राचीन कालीन पुरातन व्यवस्था चर्च की जो चली आ रही थी
ग्रीक में यानी यूनान में, उसी को ये लोग भी मानते थे, रूस में भी लोग मानते थे। तो इसको इसलिए यहाँ लिखा गया है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे रूस में, ग्रीक देश के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे। इसके अलावा वहाँ और कुछ धर्म के लोग थे जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में ही, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये धर्म के मानने संप्रदाय के लोग थे, मुस्लिम लोग थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। तो इसके धर्म की अगर हम चर्चा करें तो इतने धर्मों के लोग थे। अब हम इसके समाज पे चलते हैं कि रूसी समाज उस समय कैसा था। वहाँ के समाज में जिस तरह हमने फ्रांस में पढ़ा था कि तीन स्टेट में समाज बटा हुआ था, यहाँ हम देखते हैं कि समाज में तो सभी वर्ग के लोग थे। पहले राजशाही परिवार के भी लोग थे, चर्च और पादरी वर्ग के भी लोग थे, लेकिन जो मुख्यतः तीन जो वर्गीकरण है वो तीनों मुख्य थे, क्योंकि रूसी क्रांति के लिए यही जिम्मेदार थे। तो ये तीनों वर्ग थे किसान। पहला, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि औद्योगिक क्षेत्र में रूस पिछड़ा ही हुआ था और वहाँ खेतीबाड़ी बहुत अधिक अभी भी हो रही थी, लोग उसी पर आश्रित थे, इसलिए किसान वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग था। दूसरा है, कुछ वर्कशॉप थे जहाँ लोग अपना उत्पादन खुद करते थे, ऐसे कुछ कारीगर थे जो खुद उत्पादन करते थे, तो दूसरा वर्ग कारीगरों का भी था। और तीसरा वर्ग उन मजदूरों का था जो औद्योगिक क्रांति के बाद कुछ कल कारखाने खुले थे, तो अधिक तो नहीं लेकिन जितने भी कल कारखाने खुले थे मॉस्को में या सेंट पीटर्सबर्ग में, उसमें काम करने वाले मजदूर। तो ये तीन वर्ग के लोग जो थे वो बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे रूसी क्रांति को अंजाम देने में, इसलिए हम इन तीनों की स्थितियों के बारे में पहले अच्छे से जान लें। तो अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो तीन वर्ग हमने बताया उन तीनों के बारे में अब हम डिटेल से आपको बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं सदी यानी आपको पता है किसको बोलेंगे, 1900 ईस्वी को। तो 1900 ईस्वी की शुरुआत से ही रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो खेतीबाड़ी में लगा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% यानी कितने लोग, 85% लोग थे जो कृषि से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी जनसंख्या जो थी वो जब कृषि से जुड़ी हुई थी तो आजीविका के लिए वो खेती पर ही निर्भर थे। यूरोप के किसी भी देश में इतना अधिक मतलब खेती पर आश्रित लोग नहीं थे, किसी देश में इतनी बड़ी जनसंख्या खेती पर नहीं आश्रित थी। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम फ्रांस को लें, जर्मनी को लें, तो यहाँ खेती पर जो निर्भर थे बस 40-50% लोग ही थे, यानी फ्रांस और जर्मनी में सिर्फ 40-50% लोग ही कृषि पर आधारित थे, निर्भर था उनका जीवन। रूसी साम्राज्य में किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी, वो इतना अधिक उत्पादन करते थे, कृषि से इतना अधिक उत्पादन हो रहा था रूस में कि वो अपनी आपूर्ति तो अपनी तो ज़रूरतों को पूरी करते ही थे, बाज़ार के लिए भी उपजाते थे अनाज। इस तरह कृषि से उनका एक बहुत बड़ा इनकम होता था। तो रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था। निर्यातक उसे कहते हैं जो अपने देश के सामान को दूसरे देशों में बेच सकता है या भेज सकता है। तो रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। अब हम चलते हैं उसके उद्योग पे। उद्योग यहाँ बहुत कम थे, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा है, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ज़्यादातर उत्पादन यहाँ कारीगर ही करते थे, जो मैंने दूसरे वर्ग में बताया आपको, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कुछ कल कारखाने भी थे। बहुत सारे कारखाने जो थे वो 1890 के दशक में शुरू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को बनाया जा रहा था, फैलाया जा रहा था, क्योंकि कल कारखानों की सफलता रेलवे पे ही निर्भर करती है। तो इन कारकों के चलते ही सालों से रूस में कोयला उत्पादन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ सालों में ही जब रेलवे बिछाई गई, रेलवे का विकास हुआ, तो रूस में कोयला उत्पादन दोगुना हो गया और स्टील का उत्पादन भी 4 गुना बढ़ गया। 1900 ईस्वी तक आते आते कारीगरों और
कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। इस तरह हम लोग ये जो तीन वर्ग देखते हैं कि किसान, कारीगर और मजदूर, तो 1900 ईस्वी तक आते आते कारीगर और मजदूर दोनों की संख्या लगभग बराबर हो गई। ज़्यादातर कारखाने जो थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। अब हम यहाँ चलते हैं मजदूरों की स्थिति पर। ये तीन प्रकार के लोग तो थे ही, लेकिन अब हम जानते हैं, नीचे से चलते हैं, पहले मजदूरों की स्थिति कैसी थी। इन लोगों की स्थिति जानेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि आखिर इन लोगों ने विद्रोह क्यों किया या क्रांति क्यों की। तो मजदूरों की स्थिति ये थी कि पहला था कि कारखाने जो थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, यानी कि वो पूंजीपति थे। और हमने पिछले वीडियो में जब समाजवाद पढ़ाया था तो आपको बताया था कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, खिलाफ है। तो हम देख रहे हैं कि रूस में समाजवाद वादी विचारधारा का विकास कैसे हुआ। तो मजदूरों की स्थिति थी कि जितने भी कारखाने थे उसके मालिक थे उद्योगपति बड़े बड़े, जिसकी वो कारखाने के अपने मालिक थे, उनकी निजी संपत्ति थी। दूसरा है मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले। ये लोग ध्यान रखते थे उद्योगपति कि मजदूरों को बस उतना ही वेतन मिले जितने में कि वो अपनी आजीविका या खाना पीना पूरा कर सके या अपना जीवन चला सके। लेकिन इसके बदले में घंटे जो थे काम के वो बहुत लंबे थे, कभी कभी तो 15-15 घंटे तक उन्हें काम करना पड़ता था। तीसरी बात ये थी कि मजदूरों के रहने की जो व्यवस्था थी वो भी सही नहीं थी, या तो उन्हें कमरों या डॉर्मेट्री में रहना पड़ता था। डॉर्मेट्री मतलब, यहाँ आपकी देखिए पुस्तक में एक चित्र भी दिया गया है पेज नंबर 31 में, जहाँ एक बड़ा सा हॉल रहता है, शेड रहता है, जिसमें अलग अलग बंकर बने होते हैं और उस पर बस एक व्यक्ति ही एक पर सो सकता है। और इस तरह सभी मजदूर एक साथ रहते थे, वहाँ अपनी फैमिली को या परिवार को वो नहीं रख सकते थे, तो उन्हें डॉर्मेट्री कहते हैं। तो मजदूरों की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें डॉर्मेट्री में रहना पड़ता था। चौथा है कि सामाजिक स्तर पर वो बटे हुए भी थे, यानी मजदूर बटे हुए थे। कुछ अभी भी गांव से ही जुड़े हुए थे, मैंने कुछ मजदूर, आखिर ये मजदूर और ये जो कारीगर थे कहाँ से आए थे, सब गांव से ही उठ के आए थे अपने किसान कृषक वाली छोड़ के व्यवसाय को। तो लेकिन शहर आने के बाद भी कुछ मजदूर अभी भी गांव से जुड़े हुए थे, कुछ लोग जो थे शहर में बस गए थे, और कुछ अपनी योग्यता या दक्षता के आधार पर धातुकर्मी मजदूर थे, मतलब जो धातु का काम करते थे वो मजदूर अपने स्वयं को बहुत ऊपर का मानते थे क्योंकि उनमें दक्षता होती थी खास प्रकार की। इस तरह से इस मजदूर में इन सारे कारणों से बट गए थे वो अलग अलग सोसाइटी में, जो शहर में बस गए थे, कुछ गांव के से जुड़े हुए थे, कुछ धातुकर्मी थे। इसके अलावा कुछ महिला मजदूर भी थी, 31% 31% महिलाएँ थीं, लेकिन वो पुरुषों के जितना काम करे तो भी उन्हें पुरुषों जितना वेतन नहीं मिलता था, या तो उनसे आधा मिलता था या उनसे 3/4 उनके वेतन का 3/4 मिलता था। फिर इन मजदूरों का पहनावे भी अलग अलग थे, जिससे भेदभाव और बढ़ रहा था। मजदूरों के कुछ संगठन भी थे, इस संगठनों ने अक्सर मिल मालिकों के खिलाफ हड़ताल भी किया। इस तरह से हमने देखा कि ये मजदूरों की स्थिति थी। अब हम किसानों की स्थिति पे आते हैं। मैं ये शॉर्ट में बता देती हूँ, लेकिन इसके बाद आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। किसानों की स्थिति कैसी थी, अब हम इसे देखते हैं। तो गांव की ज़्यादातर ज़मीनों पर हालांकि जो किसान खेती करते थे, लेकिन उनकी जो विशाल संपत्ति थी गांव में, बड़ी बड़ी संपत्तियों पे सामंतों का, यानी एक ज़मींदार टाइप के लोग होते थे, राजा से नीचे सामंतों का, जिन्हें कि राजा ही सामंत बनाते थे बड़ी बड़ी ज़मीन या राज्य दे करके। तो इन सामंतों का, राजशाही परिवारों का या ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था, मतलब तीन प्रकार, जिस तरह फ्रांस में था कि राजा और चर्च ऊपर थे, उसी तरह से यहाँ भी गांव की मैक्सिमम ज़मीन पर तो किसानों का हक था, लेकिन जो बड़ी संपत्तियाँ थी उन पे सामंतों का, यानी ज़मींदारों का, राजशाही परिवार के लोगों का, ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। तीसरा, किसान भी बटे हुए थे। अब किसानों में भी कई भाग थे, कुछ लोग बिल्कुल धार्मिक स्वभाव के थे, कुछ ज़मींदारों या सामंतों या नवाबों का सम्मान नहीं करते थे, यानी इन ज़मींदारों और सामंतों से वो घृणा करते थे क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी विशाल संपत्ति थी। यहीं से उनके मन में समाजवादी भावना शुरुआत हुई और उनके मन में ये हुआ कि उनसे संपत्ति छीन के, उनसे ज़मीनें छीन करके सामंतों से किसानों के बीच बांट दिया जाए, और यही समाजवादी व्यवस्था थी। तो यहीं से इनके मन में प्रस्फुटन हुआ समाजवादी विचारधारा का, कि
क्योंकि वो जानते थे कि सामंतों और नवाबों की जो ये हैसियत है, मतलब उनको लगता था कि ये लोग तो सामंत इसलिए बन गए हैं क्योंकि राजा ने इन्हें अपनी सेवा के बदले में इन्हें ये ज़मीन दान में दिया है, तो उन्हें ज़मींदारों और नवाबों से घृणा थी क्योंकि वो जानते थे कि ये राजा के या जार के पक्षपाती हैं। रूस के किसान चाहते थे कि वो नवाबों की ज़मीन छीन कर किसानों के बीच बांट दी जाए, मन अगर जार ऐसा करता, राजा ऐसा करता तो वहाँ के किसान खुश रहते, लेकिन चूँकि ऐसी बात नहीं थी इसलिए वो खुश नहीं थे। ज़्यादातर वो लगान भी इसलिए नहीं चुकाते थे। इस तरह किसान सामंतों और नवाबों से चिढ़ते थे और कई बार तो उनकी हत्याएं भी कर देते थे। मतलब किसान जो इतने नीचे स्तर पर है वो अपने ज़मींदारों का, सामंतों का की हत्या भी कर देते थे। रूसी किसान यूरोप के अन्य किसानों से इस मामले में भी भिन्न थे, जबकि यूरोप के अन्य किसानों, जैसे हम फ्रांस में अगर जाके देखें तो याद होगा आपको कि फ्रांसीसी क्रांति जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी लोअर क्लास के लोगों ने ही, किसान मजदूर लोगों ने ही क्रांति की थी, लेकिन वो इतने हिम्मती नहीं थे, इतनी शक्ति उनमें नहीं थी कि वो लुई 16 के खिलाफ कदम उठा दें। उनकी मदद मध्यम वर्गों ने की थी तभी वो कुछ कर पाए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि किसान बहुत पावरफुल हैं, मतलब वो यानी उनमें समाजवादी भावना का प्रस्फुटन हो चला है, इसलिए वो यूरोप के अन्य देशों के किसानों से भिन्न थे। रूसी किसान तो कभी कभी वो क्या करते थे कि अपनी एक कम्यून, मतलब एक कम्युनिटी थी, मीर थे, उनको अपनी सारी ज़मीनें समय समय पर दे दिया करते थे और ये कम्यून ही फिर प्रत्येक परिवार, किसान के परिवारों को आवश्यकता अनुसार, जिस परिवार को आवश्यकता हो उसे ज़मीन का बंटवारा करता था। इस तरह हम देखते हैं कि उनमें पूरी तरह से किसान में, रूसी किसानों में समाजवादी भावना आ गई थी, मतलब वो बहुत अधिक ज़मीन के मालिक नहीं बनना चाहते थे, थोड़े थोड़े समय पे कम्यून को अपनी ज़मीन भी दे दिया करते थे ताकि कम्यून फिर आवश्यकता अनुसार इस ज़मीन को दोबारा बांटे। अब हम देखते हैं कि रूस में इस तरह से ये जो भावना चल रही थी किसानों के बीच, तो इससे थोड़ा लग गया था अंदाज़ा कि रूस में समाजवाद का आगमन हो चला है, तो ऐसा लगने लगा था कि रूस में अब मजदूर नहीं बल्कि किसानी क्रांति कर देंगे या किसान की क्रांति हो जाएगी और वही मुख्य शक्ति बनेंगे और रूस अन्य देशों के वनस्पत ज़्यादा तेज़ी से समाजवादी देश भी बन जाएगा, ऐसा भी अनुमान लगने लगा था। तीसरा, वो चाहते थे कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को मिल जाए। उनकी एक ये भी इच्छा थी कि जो सामंत हैं, राजा के लोग हैं या चर्च हैं, उनसे ज़मीनें छीन करके किसानों के बीच बांट दी जाए। तो किसानों के इन मनोभावों के आधार पर लोगों ने ये सोचा कि रूस में समाजवादी क्रांति किसान ही करेंगे, लेकिन किसानों की एकता पर भी कई सवाल उठने लगे। उनके सवाल पर समाज दो खेमों में बट गया, यानी किसानों के मामले में भी समाज दो टुकड़ों में बटा हुआ था, यानी एक नहीं था, ये दो थे। एक सोशल डेमोक्रेटिक्स, डेमोक्रेट्स हम जानते हैं लोकतंत्रीय, जो अभी हम लोग लोकतंत्रीय सरकार में जी रहे हैं, तो लोकतंत्र क्या कहता है, जनता की सरकार। तो एक सामाजिक लोकतंत्रवादी परिवार मैंने एक ग्रुप हो गया, और दूसरा था समाजवादी क्रांतिकारी दल। तो समाजवादी क्रांतिकारी यानी सोशलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, तो ये दो भाग में जो लोग थे, किसानों के सवाल पर इन दोनों खेमों में मतभेद शुरू हो गया। मतलब किसान की जो ये भावना थी कि सारी ज़मीनें राजा से लेकर के या ज़मींदारों से लेकर, सामंतों से लेकर किसानों के बीच बांट दी जाए, इस मत पे ये दो दल बन गए थे और दोनों में ही टकराव था किसानों के सवाल पर। तो इसी समय कुछ नेता आते हैं रूस की राजनीति में, तो एक हैं व्लादिमीर लेनिन, इनका बहुत योगदान है। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो रूसी क्रांतिकारी हैं जिनका मानना था कि रूसी किसानों में एकजुटता नहीं है। जब उन्होंने देखा कि किसान तो है लेकिन किसान कई प्रकार के हैं, अभी पहले भी मैंने बताया कि किसानों में भी कई मतभेद थे, कुछ धनी किसान थे, कुछ गरीब किसान थे, कुछ धार्मिक थे। इस तरह हम देखते हैं कि उनका यह मानना था, लेनिन ने जब देखा कि किसानों में एकरूपता नहीं है, एकता नहीं है, बल्कि वो बटे हुए हैं, क्योंकि कुछ किसान गरीब थे, एकदम गरीब, कुछ एकदम अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ एकदम पूंजीपति भी थे, मैंने थोड़े थोड़े कुछ किसान ऐसे भी थे जो मालिक थे पूंजी के। तो लेनिन ने सोचा था कि जो समाजवादी थे वे मानते थे, इस तरह लेनिन जो समाजवादी विचारधारा के थे वो ये मानते थे कि रूसी किसान विभेदों के कारण समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। उनको लग गया कि नहीं, किसान इस क्रांति को करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। और लेनिन ने जो क्रांतिकारी विचार आगे फैलाए उसके चलकर आगे दो टुकड़े हुए, फिर दो प्रकार के, एक बोल्शेविक
क्रांति हुई, बोल्शेविक ग्रुप बना जो लेनिन का था, दूसरा मेंशेविक है। तो बोल्शेविक जो था इनका मानना था, यानी लेनिन का मानना था, इस पार्टी का मानना था कि अगर पार्टी बने, बोल्शेविक पार्टी बनी, तो उसमें जितने भी सदस्य अनुशासित होने चाहिए और सदस्यों की संख्या पर पार्टी का पूरा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। मतलब ये अनुशासन और कड़ाई पे जोर देते थे। जो दूसरी पार्टी मेंशेविकों की थी, उनका ये कहना था कि नहीं, पार्टी में जितने भी सदस्य हैं सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि समाज में कई विभेद चल रहे थे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगले दिन हम देखते हैं कि 1905 की क्रांति। यहाँ तक में हमने आज ये देखा कि रूसी क्रांति के कारणों में, पहले तो रूसी साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था वो हमने जाना, फिर वहाँ के समाज में धर्म क्या था, कौन कौन से धर्म के लोग थे, समाज में क्या स्थिति थी। समाज में यही स्थिति थी कि नीचे के वर्ग में किसान, कारीगर और मजदूर तीन वर्ग के लोग थे, ऊपर राजशाही यानी जार था, राजा, और फिर सामंत थे और चर्च के लोग थे। और मजदूरों की स्थिति भी हमने देखी कि मजदूरों की स्थिति क्यों, मतलब मजदूर दुखी थे और किसान क्यों दुखी थे, और किसानों के बीच क्या मतभेद था, समाजवादी विचारधारा आते आते कैसे रुक गई। और यहाँ तक हमने समाज के बारे में जान लिया। अगले दिन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 1905 की क्रांति के बारे में। ओके, थैंक यू।